नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरॉइड्स में। और हम लोगों ने अपना कवरेज शुरू कर दिया है ऑटो एक्सपो का। वहाँ दूर एक जो गाड़ी आप खड़ी देख रहे हैं वो है फ्यूचरो ई। उसके बारे में सारी डिटेल्स हमें अभी नहीं मालूम है, लेकिन बहरहाल जब तक हमें वो डिटेल्स मालूम पड़े हम आपको ये स्विफ्ट हाइब्रिड यहाँ पर एक खड़ी है इसके बारे में बताते हैं। और देखने में यह गाड़ी आपको मेरे ख्याल से स्विफ्ट जैसी ही नज़र आएगी, लेकिन ये जो है ये हाइब्रिड है। यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर भी रहेगी और मैं आपको इसे पीछे से दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये हाइब्रिड बैजिंग ज़रूर नज़र आ रही होगी। और अगर आप इसे अंदर से भी देखेंगे तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। आप अगर इसे यहाँ से देख रहे हैं तो आपको वहाँ पर इको मोड नज़र आ रहा होगा, और उसके अलावा इंटीरियर में भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको शायद नज़र आए। ये गाड़ी जो है खुली हुई नहीं है, लेकिन ये जो है ये हाइब्रिड है और इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ। और ये देखिए, ये यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, ये 1.2 लीटर इंजन ही है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो मोटर का आउटपुट है वो 10 किलोवाट्स का एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और टॉर्क भी यहाँ पर 30 न्यूटन मीटर्स की एक्स्ट्रा है। इसका ओवरऑल जो कंबाइंड आउटपुट है वो 1.2 लीटर पेट्रोल से ज़्यादा है। सो ये है स्विफ्ट हाइब्रिड। इसका लॉन्च डेट या फिर ये गाड़ी कब इंट्रोड्यूस की जाएगी इस बारे में अभी तक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप इसे देखेंगे तो विजुअली यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये गाड़ी मेरे ख्याल से बहुत जल्द इंट्रोड्यूस की जाएगी। व्हील्स भी सिमिलर है, और अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो है पेट्रोल पावर्ड उस पर बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नज़र नहीं आएंगे। लेकिन मैंने भी आपको इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया, और बहुत जल्द ये गाड़ी मेरे ख्याल से मार्केट में इंट्रोड्यूस की जाएगी। डेफिनेटली महंगी रहेगी स्विफ्ट से, और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में हमको मिलेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मारुति पवेलियन के और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस हैं, उन सब के साथ मैं आपके साथ हाज़िर होता हूँ, तो बने रहिए।